अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, हाउस लाइफ फूड सीक्रेट की तरफ से हम सभी की खिदमत में हाजिर हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, आज हम काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ ये बकरे की गोश्त की रेसिपी शेयर करेंगे। तो रेसिपी शेयर करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होती है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और लाल रंग का बटन भी प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो प्यारे व्यूअर्स, चलिए रेसिपी। हमने एक किलो ये बकरे का गोश्त है, इसके साथ थोड़ी थोड़ी चर्बी भी है। तो प्यारे व्यूअर्स, चर्बी गोश्त में भी है लेकिन चर्बी वाला ये हल्की हल्की सी ये चर्बी है गोश्त में। चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट का है, बिस्मिल्लाह। तो प्यारे व्यूअर्स, इसमें हम ना सुरख मिर्चें डालेंगे और ना ही हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। मैंने ये सालन बिल्कुल फीका रखना है और काली मिर्च भी नहीं डालनी। ये क्यों नहीं डाली ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये हाफ चम्मच हम नमक का डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हाफ चम्मच हम हल्दी का डालेंगे। टमाटर हैं जो मैंने इतने बारीक नहीं काटे, मोटे मोटे काटे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो इसमें हम ये 2 से 3 हैं इसमें ऐड करते हैं। अब इसमें हमने ये सिर्फ इतना सा मटेरियल डालना है, इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पारा है, आधा किलो का डब्बा है, हम इसमें ये पानी का इसमें डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो प्रेशर कुकर में, तो प्यारे व्यूअर्स, प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी डालते हैं क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी गल जाता है। अगर हम देसी में पकाएंगे तो इसमें पानी भी ज़्यादा डालेंगे और इसे देर तक पकाते रहेंगे, 40 से 45 मिनट तक पकाएंगे। प्रेशर कुकर में हम 10 से 15 मिनट तक इसको लगाएंगे, इसकी सीटी। और जैसे ही हमारी सीटी ये होगी 10-15 मिनट, तो हमारा ये गोश्त गल जाएगा। ये हमने इसको मिक्स कर लिया है, तो अब इसका हम ढक्कन बंद करते हैं। हमारे नहीं, ये हमारा पानी, गोश्त हमारा पानी में डिप हो चुका है। अब इसका हम ढक्कन बंद करते हैं अपने प्रेशर कुकर में, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अपना ये हम गैस ऑन करते हैं। हमने अपना प्रेशर कुकर बंद कर दिया है, इसे हम 10 मिनट तक वेट पर लगाएंगे। ये बकरे का गोश्त है, जल्दी गल जाता है। तो मिलते हैं अब 10 मिनट के बाद हम आप लोगों के साथ। तो माशाल्लाह से हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम अपने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलते हैं क्योंकि हमने ये इनके ये वेट उतार दिए थे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए हमारा ये गोश्त माशाल्लाह से पानी बिल्कुल सूख चुका है, थोड़ा सा पानी है। और हम अपना ये चूल्हा ऑन करते हैं, ऑयल ऐड करेंगे। हम अपना ये कुकिंग ऑयल का 1 चम्मच इसमें डालते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो 1 चम्मच ही काफ़ी है, इसमें ज़्यादा हम घी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इसलिए चर्बी वाला गोश्त है हमारा। तो हम अपनी अब तेज़ लो पे से ये पानी शुष्क करेंगे और जैसे ये हमारे पानी शुष्क होगा तो ये हमारा ये गोश्त घी छोड़ने लग जाएगा। चलो से ये हमारा गोश्त को हमने इसे 4 से 5 मिनट तक इसे मसलसल पकाना है, यानी कि इसे भूनना है। जितना हम अपना ये सालन भूनेंगे उतना ही हमारे सालन का अच्छा टेस्ट आएगा। सालन की जितनी भुनाई होगी उतना अच्छा सालन बनेगा, मज़ेदार और यूनिक सालन बनेगा। आज हम आप लोगों के साथ शोरबे वाला सालन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर जो कोई नया मेरे चैनल पे है तो वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू सो मच। तो प्यारे व्यूअर्स, ये देखें हमारा माशाल्लाह से ये अब इसमें घी छोड़ दिया है, हमारे ये गोश्त ने घी छोड़ दिया है। अब इसमें हम जो साबुत मसाले हैं वो ऐड करते हैं। और ये साबुत लौंग है, ये दालचीनी है, और ये जीरा है, और ये भी दालचीनी का, ये भी दालचीनी ही है। तो अब इसमें हम डालते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो इसकी 2 से 3 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। जैसे ये हमारा मसाला इसमें ये साबुत गरम मसाला इसमें भून जाएगा तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी और बहुत यूनिक खुशबू आ रही है हमारे सालन में से। तो आप लोगों ने ये सालन बिल्कुल सिंपल
और जल्दी तैयार होने वाला है। आप लोगों ने ये जरूर बनाना है और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करना है कि आप लोगों ने ये हमारा ये शोरबे वाले सालन आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो हमारा ये सालन भून चुका है और इसे तेज फ्लेम पे भून लिया अपना सालन। अब इसमें हम पानी थोड़ा सा ऐड करते हैं और ये देखें माशाल्लाह से ये हमारी यखनी भी बिल्कुल गल चुकी है। पानी डालने लगे हैं लगा खाने में, ये आधा किलो का डिब्बा है पानी का, ये हम इसमें ऐड करते हैं। इसमें लगा खाने पानी हमने ये बिल्कुल कितना सा डालना है, ज़्यादा पानी इससे ज़्यादा नहीं डालना। इसका फ्लेम बंद किया है अपने सालन का, तो माशाल्लाह से ये अब इसमें हम थोड़ा सा ये पिसा हुआ धनिया डालते हैं। साबुत धनिया हमने पहले डाल लिया था, अब इसमें हम एक चम्मच इसमें लगा खाने पीसे हुए धनिया का ऐड करते हैं। सारे मसाले हैं कुटे हुए, वो गरम मसाला है इसमें लौंग इलायची और फैजीरा साबत सूखा धनिया हर चीज़ इसमें कुटी हुई है वो इसमें हम ऐड करेंगे। और थोड़ा सा हम नाजरीन कुछ और थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा शोरबे वाला सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे आप चाहे इसको उबाला जलाएं, लेकिन ये हमारा सालन बहुत गर्म है इसलिए हमें आग जलाने की ज़रूरत नहीं है इसके नीचे। तो माशाल्लाह से देखें ये इसने घी भी छोड़ दिया है और माशाल्लाह से हमारा सालन बहुत प्यारी बहुत यूनिक खुशबू आ रही है। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से हमने थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल डाला था, देखें माशाल्लाह से कितना सा घी कितना ऊपर ये ऑयल हमारा आ चुका है। और ये देखें हमारी बोटियाँ भी बिल्कुल गल चुकी हैं। अब इसको हम ये चम्मच के साथ तोड़ते हैं। ये देखिए हमारा माशाल्लाह से ये गोश्त बिल्कुल बिल्कुल ही गल चुका है। ये देखें इसकी ये देखें रोटियाँ गल चुकी, ये देखें हमारा माशाल्लाह से ये बिल्कुल गोश्त गल चुका है। ये देखें हमारा ये बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। ये देखें तो ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो ये बहुत मज़ेदार और बहुत यूनिक रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद आएगी, शोरबे वाला सालन। इसे आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगेगा। और तंदूर की रोटी के साथ खाएं फिर भी बहुत मज़ेदार लगेगा। तो ये शोरबे वाला सालन अगर बारीक रोटी बनाई जाए तो उसके साथ भी बहुत मज़ेदार लगता है। इसमें रोटी भी भेंके बंदा रोटी भिगो के भी बंदा खा सकता है। तो ये देखें माशाल्लाह से। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई। उम्मीद पसंद आए तो आप लोगों ने लाइक और शेयर करना है और लाल रंग बटन प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से आ रही मेरी शक्ल नज़र। हाँ जी। तो प्यारे व्यूवर्स ये थी आज की हमारी वीडियो। तो प्यारे व्यूवर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो आप लोगों ने लाइक और शेयर जरूर करना है और लाल रंग बटन जरूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो जाने से पहले मेरी आप लोगों से यही हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे आबाद रखे। तो मेरी तो प्यारे व्यूवर्स ये मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे आबाद रखे हंसता बसता रखे। आप लोग मेरे लिए दुआ करें और मेरी दुआ आप लोगों के लिए है। तो प्यारे व्यूवर्स मेरी आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल वायरल हो और मैं आगे बढ़ सकूँ और आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आ सकूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।